आइए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या धर्मनगरी की यात्रा पर। प्रभु राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या कितनी बदली है, क्या हालत है अयोध्या की सड़कों का, अयोध्या में जो जन सुविधाएं हैं वो कहां पर है, और अगर समग्र विकास की बातचीत हो रही है राम मंदिर के साथ साथ, तो आइए लिए चलते हैं आपको राम की नगरी अयोध्या की सैर पर, ये जानने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आगे बढ़ते बढ़ते जब आप अयोध्या में पहुंचते हैं, जब आप राम मंदिर में पहुंचते हैं, तो कितनी बदल गई है अयोध्या। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके हम शिल्पकला की बात कर रहे थे, नागर शैली में ही इसे भी बनाया गया है, ठीक वही शिल्पकला जो मंदिर में भी इस्तेमाल किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो इंचार्ज है सिक्योरिटी के, कमांडेंट साहब आर के सक्सेना साहब, सिक्योरिटी के नजरिए से क्या चैलेंजेस है, क्योंकि सेंसिटिव जगह है अयोध्या, किस तरह से आप लोगों की तैयारी, किस तरह से सुरक्षा में आपने लोगों को तैनात किया है और कितने लोग पहुंच रहे हैं रोज? जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ रेगुलरली 2 से 3 फ्लाइट्स आ रही हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में, काफी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। हमारी 3 शिफ्टों में ड्यूटियां चल रही हैं और हम सारी चुनौतियों के लिए तैयार हैं। नया एयरपोर्ट है, नए चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अभी तो देश से ही आ रहे हैं विमान, आने वाले वक्त में आएंगे, किस तरह का अनुभव है आप लोगों का? बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे। अयोध्या के लिए कैसा लगता है आपको, ये चेंज कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, विश्व स्तरीय पे अयोध्या का नाम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 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 खुश हैं और नया एक्सपीरियंस हम लोगों को मतलब देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हर तरफ हर आदमी के अंदर एक जोश और राम का आनंदित करने वाला हो रहा है पूरा माहौल। तो आपको क्या लग रहा है अयोध्या कितनी बदली हुई आपको लग रही है? अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, सफाई बहुत ज्यादा है और एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। भव्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को देखने के बाद आइए अब लिए चलते हैं आपको अयोध्या नगरी की गलियों में, सड़कों पर, और फिर राम मंदिर राम पथ पर चलेंगे। चलिए अयोध्या नगरी में ठीक उस रास्ते पर हो रहा है जहां से आप आगे बढ़ेंगे तो राम की पैड़ी और बाई तरफ जाएंगे तो राम मंदिर में लता चौक के लिए आप कूच करेंगे। तो ये देखिए नजारा, अयोध्या कितनी बदली बदली है, उसमें अगर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं तो दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं सूर्य स्तंभ जो सड़क के दोनों ओर बनाए गए हैं जिससे एक भव्य नजारा मिलता है। सूर्य स्तंभ इसे इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ऊपर में सूर्य का एक गोला है और नीचे जो स्तंभ है उस पर आप देख रहे हैं हनुमान जी का गदा भी बना हुआ है और जय श्री राम भी लिखा हुआ है। हर गली चौराहे सड़क पर कहीं भी आप पहुंच जाइए, रातों रात परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है और उसी कड़ी में जो आप ये देख रहे हैं, ये बीते दिन तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ बनने वाला है लेकिन आज पूरी तरह से आकार ले चुका है। आप में से कितने लोग पहले अयोध्या आए थे? पहले कितने आए थे? आप भी आई हैं? कितना बदला है? बहुत ज्यादा। क्या बदला है? सब बदला है, मंदिर बदला है, सब जगह बदला है, रोड बदली है। हाँ? सभी कार्यक्रम बदल चुका है, ये बहुत काम सही है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत कितना 95% 95% बदल गया है। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हमारी संस्कृति, हमारे विरासतन, बच्चों को भी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये तमाम जो आप पोल्स देख रहे हैं लाइट्स में, उसमें भी खास तौर पर जो इंतजाम किया गया है, सबसे ऊपर अगर आप बीचों बीच देखेंगे, बीचों बीच सबसे ऊपर, तो वहां पर भगवान के माथे पर जो तिलक है वो टीका बनाया गया है, ये भी दर्शाता है कि एक धर्म की नगरी है तो उस थीम को कैसे पूरे शहर में रखा गया। अब आते हैं सड़कों के चौड़ीकरण पे और सौंदर्यीकरण, दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। तो चौड़ीकरण का ये हाल है कि 2 लेन सड़कें दोनों तरफ बनाई गई हैं, एक बहुत चौड़ा सा सेंट्रल वर्ज बनाया गया है और 2 लेन सड़कें यहाँ देखिए आप, जिससे आने जाने का दोनों का रास्ता 2 लेन सड़कें बनाई गई हैं। किस तरह का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो इस तरह के म्यूरल्स बनाए जा रहे हैं और उन म्यूरल्स पर रामायण के जो अलग अलग घटनाएं हैं उनका चित्रण किया गया है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं असुरों के सामने कैसे जो शिक्षा प्रभु राम को दी जा रही थी असुरों से भिड़ने के लिए, जो उन्हें तीर धनुष चलाने की शिक्षा दी जा रही थी, ये एक चित्रण है। ऐसे ही इस पूरी राह पर अगर आप चलेंगे तो पूरी राह में ऐसे ही चित्रण अलग अलग, ये आप लोग छोटी वाली टाइल बिठाकर
पूरी तस्वीर बना रहे हैं? पूरी तस्वीर उसी की बन रही है। तो ये बड़ा मेहनत लगता होगा ये छोटे छोटे? बहुत टाइम लगता है, मैंने ड्राइंग ग्लास में जाके टाइल है। पहले इतना ऐसा चौड़ा पेमेंट लोगों के चलने के लिए था क्या? नहीं नहीं, पहले कहाँ था, पहले तो वही था, फर्स्ट लेन था, फिर टू लेन हुआ, फिर अब तो कोई सिंगल लेन था, फिर अब टू लेन हुआ, और अब तो देख ही रही है। तो अयोध्या नगरी में सूर्य स्तंभ दोनों तरफ वाली सड़क से जब आप पहुंचते हैं तो सीधा पहुंचते हैं लता चौक पर। इसे वीणा चौक भी कहा जाता है, लता मंगेशकर के नाम पर इस चौक को रखा गया है, और ये एक सेंट्रल फोकल पॉइंट है तमाम राम भक्तों के लिए। लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फी भी खिंचवाते हैं। कितनी चौड़ी ये सड़क कर दी गई है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सामने वाले हिस्से से सूर्य स्तंभ से होते हुए आप पहुंचे। अगर आप इस सड़क पे चले जाएंगे, ये जो बाईं तरफ जाने वाली सड़क है, तो यहां से आप पहुंचेंगे मंदिर के रास्ते पर। वो मंदिर का रास्ता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये देखिए, ये जो सड़क इसके ठीक पीछे से जा रही है आगे, वो आपको राम की पैड़ी पर ले जाती है, जहां पर आपने योगी आदित्यनाथ को दीपोत्सव मनाते हुए देखा होगा, वहां पर भी सौंदर्यीकरण किया गया है। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पत्रकार हैं, जो यहाँ पर रहने वाले हैं, वो अयोध्या में वाकई क्या बदलाव देख रहे हैं। क्या बदलाव है अयोध्या आप अपनी नजरों से देख रहे हैं? हम लोगों ने आंदोलन के वक्त से अभी तक की पूरी तस्वीर को देखते हैं, तो अगर 5 लाइनों में बताना हो तो क्या बदला है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो शहर का लुक है वो बदल गया है। मैं कारोबार एक ग्रोथ हुआ, होटल व्यवसाय देखेंगे बहुत ग्रोथ हुआ, जमीन देखेंगे बड़ी ग्रोथ हुई, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बृहद तरीके का। इसमें जब फैसला आया था उस समय क्या रेट यहाँ पर जमीन की थी और अभी क्या रेट चल रही है? अब आज की डेट में अगर कहें तो जमीन आसमान का अंतर है। जब उस समय यहाँ पर बीघे में जमीन बिका करती थी, आज स्क्वायर फीट में जमीन बिक रही है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम मौजूद हैं राम पथ पर, जिसके बाद आगे बढ़कर हम सीधा राम जन्मभूमि पथ पर जाएंगे मंदिर की तरफ। लेकिन उससे पहले राम पथ पर लाने का उद्देश्य ये था कि आपको हम अयोध्या की बदली बदली तस्वीर बताएं। अगर कुछ साल पहले आप यहाँ आए होते तो आपने देखा होता कि दोनों तरफ जो दुकानें हैं, बहुत सारा एक तो इंक्रोचमेंट होता था, अलग अलग दुकानें होती थी, सबके बड़े बड़े अपने बैनर्स होते थे, दुकानों के नाम होते थे, लेकिन अब एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। तो देखिए यहाँ से सभी जो दुकानें हैं सबको एक रंग में रंगा गया है, सब पर एक ही तरीके से कारीगरी ऊपर में की गई है, जिस पर शॉप का नाम है। शॉप का नाम आप देखिए जाकर। यहाँ पर पहले गुजरने में आपको आधा आधा घंटा लगता था अगर राम पथ से आपको राम जन्मभूमि तक पहुंचा था। अब इसके बगल वाले आपको भक्ति पथ पर लिए चलते हैं। ये है राम पथ के बगल में बिल्कुल भक्ति पथ, जिससे आप जा सकते हैं हनुमान गढ़ी, कनक भवन और राम मंदिर। यहाँ पर भी आप देखें तो पूरे इलाके को जितना भी एनक्रोचमेंट था उसे हटा दिया गया है, और जो दुकानें हैं उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश है, सबको एक ही रंग से रंगरोगन किया गया है, और जो उनके ऊपर थोड़ी शिल्पकारी भी है उसमें मंदिर का अंदाज दिया गया है। तो इस तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग यहाँ इस पर आराम से आ जा रहे हैं, और नए नए ऐसे कई कार्ड्स हैं जिसके साथ। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, गुजरात से सब बहुत, आप कहाँ से? अच्छा, खुश हैं आप लोग? देखा आप लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से अयोध्या में बदलाव लग रहा है आप लोगों को? आए थे 6 महीने पहले, हाँ, सब टूटा-फूटा था, अभी अच्छा लग रहा है। 6 महीने से अभी में इतना बदल गया? हम मुंडन करने के लिए आए थे, बच्चे का मुंडन के लिए आए थे, अभी काफी चेंज हो लग रहा है। ठीक है, ये रोड वोड टूटे हुए थे, अभी काफी बड़ा हो गया और अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम मौजूद है राम जन्म भूमि पथ पर, क्योंकि अगर आप पहले अयोध्या आए होते तो आपको समझ में आता कि दोनों ही तरफ बहुत मुश्किल था, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है, इतनी गाड़ियों का यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था। तो इस मंदिर में यहाँ से यहाँ पहुँचने में ही आपको बहुत वक्त लग जाता था, लगभग आधे घंटे का वक्त लग जाता था। लेकिन अब इसे राम जन्मभूमि पथ बना दिया गया है, और वही पिंक सैंडस्टोन जिससे प्रभु राम की मूर्ति मंदिर बन रहा है, उसी पिंक सैंडस्टोन की थीम पर साज सज्जा दोनों तरफ कर दी गई है। चौड़ीकरण इस पूरी सड़क का कर दिया गया है, तमाम इंक्रोचमेंट्स को यहां से हटा दिए गए हैं। तो ये आप देख रहे थे अयोध्या नगरी के शहर, और पूरा शहर हमने आपको लगभग घुमा दिया, हालांकि रिपोर्ट बीच में काट दी गई और आप
मंदिर के पूरे रास्ते को, राम जन्मभूमि का जो ये पूरा रास्ता है उसको नहीं देख पाए, क्योंकि यही मुख्य द्वार है, जिसे आप कह सकते हैं मुख्य रास्ता है, राम जन्मभूमि पथ इसे कहा जाता है, और वहां पर लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। इससे आगे आप देख पाते, समझ पाते कि लोगों में कितना उत्साह है जो यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। उन्होंने महीनों पहले की भी अयोध्या देखी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जो इस रिपोर्ट में आप देख नहीं पाए, जिन्होंने ये कहा कि वो अयोध्या में शाम को जब अपने घर ही लौटते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ बदल जाता है एक ही दिन के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में किस तेजी से विकास का ये काम हो रहा है। अगर अयोध्या वासी ही ये कहने लगे कि शाम को जो महिला आपको फुटपाथ पर मिली थी मेरे साथ, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं तो कई बार अपना घर का ही गली भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ फिर इतना कुछ बदल जाता है तो लगता है कि अरे वो गली तो हमारी दो कदम पीछे छूट गई है। तो ऐसा अब हाल है, जिस तेजी से अयोध्या में विकास हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन हर्षित है, सब बड़े खुश है इस बात से कि उनकी अयोध्या आगे बढ़ रही है, सड़कों के चौड़ीकरण से, सौंदर्यीकरण से लोग गदगद हैं।